मीडिया की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ। सरकार के स्कूल बंद करने के आदेशों के बावजूद स्कूलों के खुलने की खबर प्रमुखता से चलाई थी, लेकिन बावजूद इसके फरीदाबाद के दर्जनों स्कूल खुले रहे। इतना ही नहीं, इन स्कूल के संचालकों ने कवरेज करते समय मीडिया के साथ हुई काफ़ी बदतमीजी भी की थी। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कौर शर्मा ने जिले के दर्जनों स्कूलों को अवमानना का नोटिस जारी किया है। जिला शिक्षा अधिकारी की माने तो उन्होंने स्कूलों को सेक्शन में 18, 19, 20 के तहत नोटिस जारी किया है, जिसके तहत इन स्कूलों की मान्यता भी रद्द हो सकती है। दिखाई दे रहा यह फरीदाबाद के वो स्कूल हैं जो सरकार के आदेश के बावजूद पिछले 3 दिनों से न केवल खुले रहे बल्कि उन्हें बंद करने के बारे में पूछे जाने पर मीडिया पर इनके संचालक भड़कते रहे। इनमें बल्लभगढ़ के ज्यादातर स्कूल शामिल रहे। बताया जाता है कि स्कूलों के खुलने के बारे में अभिभावकों ने स्थानीय अधिकारियों से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मीडिया इन खुले हुए स्कूलों में पहुंची और विद्यार्थियों से बातचीत की थी। इस पर स्कूल संचालक मीडिया पर भी भड़के थे। हाल ही में बतौर शिक्षा अधिकारी बनने के बाद सत्येंद्र कौर वर्मा ने इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए जिले के 12 से ज़्यादा स्कूलों को सेक्शन 18, 19, 20 के तहत नोटिस जारी किया है। वर्मा की माने तो इन्हें नोटिस भेजने के बाद इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भी भेज दी गई है। आज दिन कौन सा है? वेडनेसडे। तो सरकार की तरफ से छुट्टी हुई है सभी स्कूलों की, आपकी छुट्टी नहीं हुई? नहीं। आज भी पढ़ाई चली है? यस सर। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? फोर्थ। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप? नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल। नवजीवन कहाँ पढ़ता है? बालाजी। अच्छा, तो ये बताइए, आज स्कूल की छुट्टी नहीं है? क्यों? आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होते हैं पलवल और फरीदाबाद के तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।